अच्छा थैंक यू यार। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार अभी ना यार आपको पता ही है काफ़ी दिन से मतलब चीज़ों का काम पेंडिंग है, मतलब बाइक की सर्विस करानी पेंडिंग है अभी तक। तो बस अभी वहीं जा रहे हैं चीनू भाई अपना थोड़ा निकल के आगे, क्योंकि यार लेट हो गया था, पीछे जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ था ना, मतलब लाइटें ही ख़राब हो गई थी पीछे, तो बंदे ऐसे ही खड़े हुए थे तब से 10-15 मिनट से। और बाकी यार आज तो मतलब कुछ खास प्लान है नहीं। बाकी यार आज का मौसम ना, कल बारिश हुई थी और आज ना मतलब धूप हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा धूप है यार तिखी वाली। और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। तो ना यार मेरे पास ना एक कूपन था बजाज वालों का, उसमें ना यार वॉशिंग फ्री है, तो मैं तभी बाइक ले जा रहा हूँ कि अपनी ना बाइक की वॉशिंग करा लूँगा, बड़ी गंदी हो रखी है। तो हिसाब से तो चीनू भाई मेरे को ना सर्विस सेंटर के बाहर ही मिलेगा। तब चीनू भाई को भी ना गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि ना पिछले बार भी उसकी सर्विस छूट गई थी, तो वो नहीं चाहता यार कि भाई इस बार भी उसकी सर्विस रह जाए। तो इस बार तो उसने करानी करानी है सर्विस, वरना अभी तो गलत ग्लोन हो जाएगी अगर इस बार भी नहीं हुई। ऑटो वाले यार इतने हो गए ना चंडीगढ़ में, मतलब जितनी गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी उससे ज़्यादा ऑटो वाले दिखते हैं। पर चलो ठीक है यार, पर इतना ना बंदों को किसी और चीज़ में बिजनेस करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यार इतने ऑटो है ना, कई तो बंदे ऐसे खाली भी जा रहे होंगे, कईयों के पास सवारी भी होगी, तो वही चीज़ आप समझ सकते हो, कईयों का तो वेस्ट ही है, पोल्यूशन ही फैल रहा है। इससे अच्छा इलेक्ट्रिकल ले लेने चाहिए ना, पीछे भी इतने ऑटो वाले आ रहे हैं ना अभी। अच्छा क्यों फोन मार रहे हो? तो यार पहुँच गए हम सर्विस सेंटर के बाहर ना। तो यार भाई ने ना सर्विस करा ली और देख लो क्या शाइन आ गई। मैंने ना वॉशिंग करा ली थी, मेरे पास कूपन था जो कि इस महीने एक्सपायर हो जाएगा, तो दो वॉशिंग के कूपन थे, एक यूज़ हो गया और एक तो अब वेस्ट ही है, क्योंकि यार इतनी दूर आना तो उतने का तो तेल ही लग जाता है, उससे अच्छा वहीं पे करा लेंगे। बाइक देख लो यार पूरी चमक गई एकदम। तो अभी सीन बताऊँ क्या हुआ था, मेरे को ना एक बंदा आगे गया था वॉशिंग वाला, मतलब मेरी फ्री वॉशिंग थी, कूपन था मेरे पास, तो बंदा कहता मैं ना आपकी बाइक जल्दी लगवा देता हूँ, आप मेरे को ना चाय पानी का खर्चा दे देना। तो मैंने कहा यार मैं अगर फ्री में वॉशिंग हो रही है और ऊपर से मैं तेरे को यार पैसे दूँ, है क्या फ़ायदा होगा मेरा यार आने का फिर यहाँ पे। तो हुआ क्या कि अच्छा थैंक यू यार दोनों की सेम ही है, क्या इसकी वाली अच्छी है यार भाई आर्मी की गाड़ी बंदा कहता आपकी गाड़ी अच्छी लग रही है, सेम ही है पर वो है नियोन हो रखी है ना, वाइट है, वाइट भी सही लग रही है यार, ब्लैक एंड वाइट करा ले अपना हेलमेट सही लगेगा। तो अभी ना यार थोड़ी सब्जी वगैरह लेनी है तो वहाँ पे जा रहे हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा आपको बेकरी का भी दिखाते हैं सीन, सामान लेंगे खाने पीने का। बाकी अभी हुआ क्या था ना यार, भाई मेरे को कहता कि भाई थोड़ा खर्चा पानी दे देना, तो यार मैंने उसे बोला यार भाई इतने में तो यार मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ तो उतना तो मेरा वैसे ही तेल का लग जाएगा, तेरे को खर्चा पानी दूंगा तो फ्री का क्या फ़ायदा हुआ, इन सभी के चलान होने चाहिए तो यार अभी हुआ क्या था ना भाई, मैंने ना वॉशिंग ही करानी थी अपनी बाइक की, मेरे पास ना कूपन था फ्री का, तो वहाँ पे ना भाई मेरे को कहता कि ना मैं आपका जल्दी करा देता हूँ, आपका फ्री है और मैं आपकी जल्दी लगवा देता हूँ बाइक और गेट पास दिलवा दूंगा, आप ना मेरे को ना चाय पानी के खर्चा दे देना। मैंने कहा यार भाई फ्री में है तो भाई तेरे को क्यों पैसे दूँ मैं। मैंने उसे बोला यार भाई तू ऐसा कर रहा है, तू जितना टाइम लेना तू ले, क्योंकि चीनू भाई की सर्विस हो रही थी, मगर तूने जितना टाइम लेना जितना टाइम लग रहा है ना वॉशिंग में उतना लगा। भाई मैंने नहीं दिए पैसे यार, क्योंकि यार आपको पता है फ्री में हो रहा है, इतनी दूर से आ रहा हूँ मैं, ऊपर से यार मैं उसे पैसे दूंगा और तेल फूक के आ रहा हूँ तो क्या फ़ायदा था यार उसका, है ना यार। तो भाई मैंने नहीं दिया पैसे यार, अगला भाई कमा रहा है यार, हम तो कमा भी नहीं रहे। अब मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि जैसे मैं भी अभी सर्विस करा के आ रहा हूँ बाइक की, बिल्कुल वैसा फील आ रहा है। पॉलिश मार दी ना उसने, चमक रही है ना। चलो जी देख लेते हैं, फ्रूट ले लेते ना, फ्रूट चकने हैं। हाँ केड़ा अजीब लगेगा वे, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, या तो 200 ना किसी और कलर से करा ले, रेनबो कलर से वो सही लगेगा, जो लाइट करके चेंज नहीं होता कलर वो वाला। तो देख लो यार मंडी ऐसी होती है भाई, जगह फ्रूट है, मैंने मौसमी नहीं लेनी यार, वो लेनी है क्या बोलते उसे बब्बू बोसा, वो देख लेंगे। बाकी और सेब का 70 रुपये रेट चल रहा है यहाँ पे चंडीगढ़ में सेक्टर 26। बाकी ये तो नाशपाती है, देख लो यार कितनी गंदगी है नीचे।
क्या रेट है भाई? अस्सी है। हाँ तो महंगे ही होता है। हो गया होगा 1.5 किलो। बैग में डाल दे मेरे को। तू मेरा हेलमेट? अच्छा क्या करते हो? मैंने तेरा हेलमेट देखा ना, मेरे को याद ही नहीं था कि मैंने तो पाया हुआ है। और सारी सब्जियां वगैरह, बहुत बड़ी मार्केट है ये। और बाकी देख लो इतनी भीड़ है यहाँ पे। अभी तो कुछ भी नहीं है, शाम के टाइम में और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तब तक अपना सामान ले लेते हैं ना, जो जो लेना है, फिर निकलते हैं यहाँ से। बाकी नाशपाती ले ली ना मैंने अभी, बब्बू बोसा। तो यार ये मेरे को ना फाइनली भाई 70 रुपये का पड़ गया, इतना सा पाइन एप्पल। तो यार वो बंदा ना भाई, एक पुलिस वाली मैम थी, तो उन्हें ना 70 का बोला, और भाई मेरे को 80 का बोला था उसने पहले, पर मैंने ले लिया 70 का ना, क्योंकि अच्छा होता है खाने में। चलिए मिल रहा आ गया सही है यार। वो जा रहे हैं बेकरी, और वहाँ से लेंगे कुछ खाने पीने के लिए। काफ़ी सस्ती बेकरी है वो, मनी माजरा में है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी जो है ना यार, हम मनी माजरा इंटर होने वाले हैं। बाकी फ्रूट वगैरह सारा कुछ ले लिया ना, और हम जा रहे हैं सीधा भाई बेकरी। ओहो भाई, वाटरफॉल, चंडीगढ़ में वाटरफॉल। अरे भाई पूरा गंदा कर दिया। ओ भाई वाटरफॉल। और बाकी चिनू भाई तो यार यहाँ पे आता ही रहता था, समझ सकते हो किस लिए आता था ये यहाँ पे। अच्छा यहाँ से राइट को जाना है। अच्छा तो ये दी यार बेकरी, मतलब पास ही है, अपन लगाएंगे आगे बाइक। ओहो हो हो, एक्चुअली घर है किसी का, तो ऐसे तो लगा नहीं सकते, घुमा के लगाएंगे दोबारा। ओ भाई टच होगी इंडिकेटर, वो हो गया था, समझ सकता है क्या हो गया था। अरे टूटता मेरा भी टूट जाता ना, अभी तो इंडिकेटर टच हो गए थे। मेरे को बच्चे का रिएक्शन काफ़ी अच्छा लगा था यार। ओहो सारा सामान है। क्या लेना था अपने, क्या रेट है? 80 का ये करा लेंगे। ये कर देना यार, 12 फैन एक बंद 5, ये कर देना यार टोटल भाई। तो यार देख लिया आपने क्या रेट था भाई, काफ़ी सस्ता रेट है यार, चीप, मतलब जिसे कहेंगे ना, मतलब मैन्युफैक्चर वाला रेट है, जो बनाने का है ना वो रेट है। तो ठीक है, जिसने लेना होगा आ जाना भाई, काफ़ी सही है यार, खाने पीने के लिए भी है। और बाकी जिसने लेना होगा ना बेकरी का, सारे सामान ना देख लो यार, बंदे ना भर भर के ले जाते हैं यहाँ से, थैले देख लो, ये यहाँ से ले जाके फिर कहीं और थोड़ा ज़्यादा हाई रेट में बेचते हैं। और बाकी यार यहाँ से जा रहे हैं हम घर। मैंने तो यार पहली बार दुकान देखी यार, मेरे को पता नहीं था ऐसी है, पर ठीक है, काफ़ी बड़ा एरिया, मतलब वो एक शॉप उनकी थी, उसके साथ वाली भी उनकी थी। बाकी यार आप भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हो, काफ़ी सही जगह, मतलब स्केट वगैरह भी थे उनके पास, बाकी केक भी हैं, तो जिसने लेने होंगे वो ले सकता है यार, काफ़ी सही रेट है। STR व्लॉग्स है यार, अभी बनाया यार चैनल। ओके भाई बाय बाय। ओ यार ओपी था यार भाई, यार कसम से अभी अभी चैनल बनाया है बंदे, कहते हैं यार भाई बिग फैन, ओपी ओपी। तो चिनू भाई कह रहा है यार अपना ना चैनल का नेम का वो लगवा लें दोबारा, मैं कह रहा बाद में देखेंगे, ऐसे अच्छे लग रहे यार, कमेंट करके बताओ ना यार। तो यहाँ से यार सीधा अपना सुखना लेक आ जाता है, और यहाँ से अपना जाएंगे लेफ्ट। ओ भाई अभी तो चिपक ही गई थी, अपना यहीं वेट करते हैं भाई की। यार एक तो ना
उसने पॉलिश भी ना या सीट में भी मार दिया है, और वो देखो यार जूता कैसा होगा ना, क्योंकि उसने गियर नॉब में भी पॉलिश मारा हुआ है। अंकल जी ने और भी छाना है मेरे हिसाब से ना, पेट्रोल पंप पे जाना है, ये नहीं कि अंकल घुमा ले यू टर्न मार ले बैक ही लेकर आ रही है अंकल ने। वाह कमाल है अंकल भी। तो ना यार ये हैंडल भी स्लिप मार रहा है, बताओ इधर भी पॉलिश करी हुई है अंकल भी। यार बेफालतू का ना देखो तेल फूक रहे हैं अंकल, इससे अच्छा अगर आगे जाके घुमा लेंगे तेल उतना ही लगेगा, ऐसे में ज़्यादा लग रहा है क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है, फिर बैक लिया भी नहीं जा रहे इसे। यार कमाल अंकल यार अब आगे जा रहे हैं।